हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी अरवी के पत्ते के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो अरवी के पत्ते के पकोड़े हैं ना, इसके कई नाम हैं, जैसे पात्रा, पितौड़, आलू वड़ी और रिकवच भी कहा जाता है। ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे, क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए इस मज़ेदार सी अरवी के पत्ते के पकौड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और एकदम अलग तरीके से हम आज इसे बनाएंगे, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चों से लेके बड़े भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ढेर सारे अरवी के पत्ते, तो 10 से 12 इसमें अरवी के पत्ते होंगे, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अरवी के जो पत्ते हैं ना, बहुत ही आसानी से बरसात के मौसम में मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर आप इसे गमले में भी उगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक अरवी के पत्ते और इस तरीके से किसी भी थाली के ऊपर रख दें और बेलन की मदद से इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे। इससे अरवी के पत्ते ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और पकौड़े बनाना काफी इजी हो जाता है। तो एक एक करके हम सारे अरवी के पत्ते को इस तरीके से बेल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अरवी के पत्ते के स्टीम पकौड़े या फिर इसकी सब्जी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इधर मैंने सारे अरवी के पत्ते को अच्छे से बेल कर सॉफ्ट कर लिया है। अरवी के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत है, चलिए देख लेते हैं। तो अरवी के पत्ते को रखते हैं हम साइड में और यहाँ पे मैंने ले लिया एक बड़ा बाउल, उसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी के करीब बेसन और एक कटोरी से थोड़ा सा कम है ये चावल का आटा। चावल का आटा डालने से बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है ना, तो चावल को भिगो दें, भिगोने के बाद इसे बारीक पीस लें, उसके बाद आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ढेर सारा, यानी कि 2 बड़े चम्मच के करीब आमचूर पाउडर और 2 बड़े चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हींग, हींग इसमें आप जरूर डालें, 1 छोटे चम्मच के करीब जीरा, 2 चुटकी के करीब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और उतना ही जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार, यानी कि 2 छोटे चम्मच और अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पतला बैटर बनाकर तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा बेसन आप और इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इतने बेसन में मैं अरवी के पत्ते के पकौड़े बना लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने 1 कटोरी के करीब इसमें डाला है पानी और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसमें थोड़ा सा भी लम्स वगैरह ना रहे। तो आप इस बैटर की थिकनेस देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ी सी थाली और इसमें हम एक एक करके इस तरीके से अरवी के पत्ते रखेंगे और इस पे हम बैटर लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स मेहनत लगता है, लेकिन ये जो पकौड़े हैं ना, खाएंगे तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। एक बार इस पकौड़े को बना लीजिए और पूरे हफ्ते इसे फ्रिज में रख के स्टोर करके जब भी मन करे फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम अच्छे से बैटर लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे अरवी के पत्ते को एक के ऊपर एक रखते हुए बैटर लगाएंगे। बैटर बनाने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ। सारे मसाले सेम रहेंगे, लेकिन आप बेसन की जगह चने के दाल को रात भर भिगो के रखें और इसे पीस कर इस तरीके से आप बैटर बनाकर अरवी के पत्ते के ऊपर लगा सकते हैं। उससे भी पकौड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी इस बैटर में डाल सकते हैं। तो मैंने सारे अरवी के पत्ते के ऊपर लगा लिए हैं बैटर को, अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। तो मैं 2 तरीके से आपको फोल्ड करना बताऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से हम इसके ऊपर ये जो बैटर है ना लगा लेंगे, ताकि जो पत्ते हैं ना अच्छे से आपस में चिपक जाएं। अरवी के पत्ते के पकौड़े बनाना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बस कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो फटाफट से आप अरवी के पत्ते के पकौड़े बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर देना है ताकि ये जो अरवी के पत्ते हैं ना अच्छे से शेप में आ जाएं। तो अरवी के पत्ते को अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके से रोल बना लेना है। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको अरवी के
पत्ते के ऊपर बैटर लगाने का बता देती हूँ। तो इस तरीके से एक एक करके हम पत्ते लेंगे और इसके ऊपर बैटर लगाते जाएंगे। बस बराबर हमें पत्तों को रख के इसके ऊपर बैटर को लगाना है। एक साथ दो पत्ते रख के भी आप इस तरीके से फटाफट से बैटर को लगा सकते हैं। तो इधर मैंने सारे पत्ते को रख के बैटर अच्छे से लगा लिया है। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, एक ये भी तरीका है फोल्ड करने का। दोनों साइड से हम इसे मोड़ेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से इसके ऊपर बैटर लगाएंगे और अच्छे से हमें इसे दबा दबा कर फोल्ड करना है। तो इस तरीके से ये देखिए कितनी आसानी से ये फोल्ड हो जा रहा है। और इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा बैटर और ये देखिए साइड में मोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मोड़ कर इसे बनाया था। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम अरवी के पत्ते के रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं तीन बड़े साइज़ के रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी रख दिया है और इस तरीके से जाली वाला कोई सा भी बर्तन लेना है, इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल और एक एक करके हम अरवी के पत्ते को रख देंगे इसके ऊपर और ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम स्टीम करेंगे। ये अच्छे से स्टीम हुए हैं या नहीं हुए हैं इसे चेक करने के लिए इस तरीके से हम चाकू को इसके बीच में डालेंगे और ये देखिए इतना क्लीन निकल रहा है। इसी तरीके से हम तीनों रोल को चेक कर लेंगे। तो सारा ये चाकू देखिए क्लीन आ रहा है, यानी कि हमारे जो अरवी के पत्ते के रोल है ना, पकौड़े बनाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। फटाफट से ठंडा करने के लिए जब थोड़ा सा ये रोल ठंडा हो जाए ना, तो हमें फ्रिज में रख देना है। इससे ये टाइट हो जाते हैं और जितना आपको खाना है उतना आप रोल उठाएं और इसे इस तरीके से कट कर दें। बाकी का रोल आप फ्रिज में रखें और जब भी आपका दिल करे इसे फ्राई करें, खाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पकौड़े बनते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारे पकौड़े कट रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं। तो जिस तरीके से आपको पीस को कट करना है आप कट कर सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ में अरवी के पत्ते के जो पकौड़े हैं ना, उसे कट कर रही हूँ। अरवी के पत्ते के पकौड़े की सब्जी की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे अरवी के जो रोल बनाए हैं ना, हमने उसे कट कर लिए हैं। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरवी के पत्ते के जो पकौड़े हैं ना, कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं और ये अच्छे से स्टीम भी हो गया है। तो सारे पकौड़े को मैंने कट कर लिया है। अब इसे फ्राई कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो किसी किसी को तो इस तरीके से कच्चा खाना भी पसंद होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से अगर आप खाएंगे ना वो भी टेस्टी लगेगा। तो इसे चलिए हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम डालेंगे एक चम्मच के करीब सरसों का तेल, ज्यादा नहीं डालना है, एक छोटे चम्मच के करीब। सरसों तेल की जगह आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो। और इसे अच्छे से हमें फैला देना है और एक एक करके इसमें डालेंगे हम अरवी के पत्ते के पकौड़े। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम पे रखना है। तो सारे पकौड़े को हम दोनों साइड से पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो उलट पलट के हमें अच्छे से पकौड़े को सेक लेना है जब तक कि इसका कलर अच्छे से सुनहरा ना हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको तीखा ज्यादा नहीं पसंद है या तीखा बहुत ज्यादा पसंद है तो उसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं इस पकौड़े में। फ्रेंड्स, एक और तरीका मैं आपको इसे फ्राई करने का बताती हूँ। थोड़ा सा आप बेसन लें, उसका बैटर बनाएं पतला और उसमें इसे डिप करके अच्छे से फ्राई कर लें। बहुत ही ज्यादा वो भी पकौड़े टेस्टी लगते हैं, लेकिन ये कम तेल में बनने वाले पकौड़े हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन ये वाले पकौड़े मुझे ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ये जो पकौड़े हैं ना, इसकी खास बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस पकौड़े का स्वाद ना एकदम दादी नानी और माँ के हाथों वाला लगता है। तो इसे मैंने डेकोरेट किया है सफेद तिल से, लग रहे ना एकदम मार्केट वाले अरवी के पत्ते के पकौड़े। आप किस तरीके से ये पकौड़े बनाते हैं मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा। मैं इस पकौड़े को सर्व की हूँ टमाटर और धनिया की हरी चटनी के साथ। आप इसे मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ ये जो पकौड़े हैं ना मिल जाएं तो मज़ा ही दोगुना बढ़ जाता है।
और यकीन मानिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, उसमें लेयर आपको दिखेंगे जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अरवी के पत्ते के पकौड़े को आप कट करके, बारीक कट करके इसे इस तरीके से स्टीम करके इसके पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है जैसे इसमें आता है, क्योंकि ये लेयर वाले जो पकौड़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।